एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने स्पोकन इंग्लिश का एक छोटा सा कोर्स लॉन्च किया है, जहां पर हम रोज सिर्फ 5 मिनट इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। आज हमारा डे 17 है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों से इंग्लिश में कैसे बात करें, ठीक है? उससे रिलेटेड सेंटेंस देखेंगे। उसके पहले देख लेते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, वो बर्तन धो रहा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? कमेंट करके बताना है। एज यूजुअल ये सेंटेंस मैं आपको पहले भी करा चुकी हूं, ठीक है? तो फटाफट से कमेंट करना है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। फाइन। अच्छा हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मान लीजिए कि आप नए हैं चैनल पे, आज ही आज आपने मेरा वीडियो देखा है, तो बाकी वीडियोज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है? तो वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ग्रामर के कोर्सेज भी अवेलेबल है, टेंसेस फुल कोर्स अवेलेबल है चैनल पे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। होप अभी तक आपने कमेंट कर दिया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों से कैसे बात करें इंग्लिश में, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उठो, स्कूल का समय हो गया है। बच्चों को हम मॉर्निंग में क्या कहते हैं? उठो, उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया है। तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वेक अप, इट्स टाइम फॉर स्कूल। वेक अप, इट्स टाइम फॉर स्कूल। वेक अप, इट्स टाइम फॉर स्कूल। अगर आप बच्चे का नाम लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, वेक अप जॉन, या जो भी बच्चे का नाम है, वेक अप जॉन, इट्स टाइम फॉर स्कूल। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, क्या तुमने अपने दांत साफ किए? इसे हम कैसे कहेंगे? हैव यू ब्रश्ड योर टीथ? हैव यू ब्रश्ड योर टीथ? हैव यू ब्रश्ड योर टीथ? नाम लेना है तो आप बच्चे का नाम भी ले सकते हैं, ठीक है? जॉन, हैव यू ब्रश्ड योर टीथ? अगला सेंटेंस ले लेते हैं, जल्दी से नाश्ता खत्म करो। बच्चे क्या करते हैं? बहुत धीरे धीरे खाते हैं, बहुत जल्दी से नहीं फिनिश करते हैं, तो हमें बोलना पड़ता है ना कि जल्दी से नाश्ता फिनिश करो। इसे कैसे कहेंगे? फिनिश योर ब्रेकफास्ट क्विकली। फिनिश योर ब्रेकफास्ट क्विकली। फिनिश योर ब्रेकफास्ट क्विकली, ठीक है? साथ साथ में आपको प्रैक्टिस करना है और बच्चों के साथ बोलना भी है। सिर्फ प्रैक्टिस करके रख नहीं लेना है, हाँ बस हो गई प्रैक्टिस, अब तो आ गई हमें इंग्लिश, नहीं, इसे हमें डेली लाइफ में यूज भी करना है, ठीक है? जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतने अच्छे से बोल पाएंगे। मान लीजिए पहले एक दो बार आपसे गलत होगा, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा आप गलत बोलोगे, ठीक है? तो प्रैक्टिस जरूर करना है, बोलना जरूर है। अपना स्कूल बैग पैक करो। अच्छा, अपना स्कूल बैग पैक करो, इसे हम कैसे कहेंगे? पैक योर स्कूल बैग। पैक योर स्कूल बैग, बहुत ईजी है। अपना स्कूल बैग पैक करो, है ना? इसे हम कैसे कहेंगे? पैक योर स्कूल बैग। इजी। पैक योर स्कूल बैग। पैक योर स्कूल बैग। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, अपना लंच बॉक्स मत भूलना। इसे कैसे कहेंगे? डोंट फॉरगेट योर लंच बॉक्स। 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 अगला सेंटेंस ले लेते हैं, अपना होमवर्क करो। अक्सर हमें बच्चों को बोलना पड़ता है कि चलो भाई अपना होमवर्क करो, इसे हम कैसे कहेंगे? डू योर होमवर्क। बहुत आसान है, डू योर होमवर्क। डू योर होमवर्क। इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, ठीक है? ये माइंड में फीड कर लीजिए कि बहुत इजी है इंग्लिश बोलना, बस उसके लिए आपको क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। मैं कहती हूँ कोई भी चीज जो आप करना चाहते हैं बहुत आसान है, बस उसके लिए क्या करना है? प्रैक्टिस, ठीक है? मान लीजिए आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, फ्रेंच बोलना चाहते हैं, या आप मैथ्स करना चाहते हैं, या आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, एवरीथिंग इज ईजी। उसके लिए आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस करनी होगी, ओके? तो आगे बढ़ते हैं। बाहर खेलने का समय हो गया है, बच्चों को कहते हैं ना बाहर खेलने का समय हो गया है, वो कैसे कहेंगे? इट्स टाइम टू प्ले आउटसाइड। इट्स टाइम टू प्ले आउटसाइड। इट्स टाइम टू प्ले आउटसाइड। अगला ले लेते हैं सेंटेंस, खाने से पहले अपने हाथ धो लो। अक्सर बच्चों को टोकना पड़ता है कि खाने के पहले आपको हाथ धोना है, तो इसे हम कैसे कहेंगे? वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग। आगे बढ़ते, मान लीजिए आपको कहना है कि अपने खिलौने वापस रख दो। बच्चे खेल लेते हैं, उसके बाद हमें बोलना होता है कि अपने खिलौने वापस रखो, तो कैसे कहेंगे? पुट योर टॉयज बैक। पुट योर टॉयज बैक। पुट योर टॉयज बैक। या फिर आप कह सकते हैं पुट योर टॉयज अवे, ठीक है? अगला सेंटेंस ले लेते हैं, नहाने का समय हो गया है, इसे हम कैसे कहेंगे? टाइम टू टेक अ बाथ। कम ऑन, टाइम टू टेक अ बाथ। टाइम टू टेक अ बाथ। टाइम टू टेक अ बाथ, ठीक है? इजी है। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, बिस्तर के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, बिस्तर के लिए तैयार हो जाओ मतलब सोने के लिए तैयार हो जाओ, तो इसे हम कैसे कहेंगे? गेट रेडी फॉर बेड।
सोने के लिए तैयार हो जाओ, गेट रेडी फॉर बेड. सोने के लिए तैयार हो जाओ, गेट रेडी फॉर बेड. अगला सेंटेंस लेते हैं, शुभ रात्रि, मीठे सपने देखना. इसे हम कैसे कहेंगे? गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स. गुड नाइट हैव अ स्वीट ड्रीम्स भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स. अगला सेंटेंस लेते हैं, अपनी टीचर की बात सुनो. इसे कैसे कहेंगे? लिसन टू योर टीचर. लिसन टू योर टीचर. लिसन टू योर टीचर. अगला सेंटेंस ले लेते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है, दूसरों के प्रति विनम्र और दयालु बनो. ये जरूर सिखाएं अपने बच्चों को कि दूसरों के प्रति आपको विनम्र और दयालु बनना है. ये कैसे कहेंगे? बी पोलाइट एंड काइंड टू अदर्स. 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 अगला सेंटेंस ले लेते हैं, हमेशा सच बोलो. इसे हम कैसे कहेंगे? ऑलवेज टेल द ट्रूथ. ऑलवेज टेल द ट्रूथ. ऑलवेज टेल द ट्रूथ. नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया? अच्छा, होमवर्क कर लो ये तो बोल दिया था, अब क्या तुमने उसे खत्म किया? कैसे कहेंगे? डिड यू फिनिश योर होमवर्क. डिड यू फिनिश योर होमवर्क. डिड यू फिनिश योर होमवर्क. अगला सेंटेंस रहते हैं, घर के अंदर मत दौड़ो. अब इसे कैसे कहेंगे? डोंट रन इन साइड द हाउस और डोंट रन इन साइड द होम. ठीक है, डोंट रन इन साइड द होम. अगला सेंटेंस ले लेते हैं, अपने जूते पहन लो. इसे कैसे कहेंगे? पुट ऑन योर शूज. पुट ऑन योर शूज. पुट ऑन योर शूज. हम शाम को पार्क जाएंगे. इसे कैसे कहेंगे? वी विल गो टू द पार्क इन द इवनिंग. वी विल गो टू द पार्क इन द इवनिंग. वी विल गो टू द पार्क इन द इवनिंग. अगला सेंटेंस लेते हैं, अपना दूध खत्म करो. अब इसे कैसे कहेंगे? फिनिश योर मिल्क. फिनिश योर मिल्क. फिनिश योर मिल्क. ऐसे देखा जाए तो बच्चों से बात करने के लिए सैकड़ों सेंटेंस है. ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंस आर देयर. जो हम बच्चों से बात करना शुरू से शुरू करते हैं तो खत्म नहीं होगा. मैंने एक सीरीज बनाई है बच्चों से बात करने के लिए, प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं. वहां पर आपको बहुत सारे सेंटेंस मिल जाएंगे, बहुत सारी जो है अलग अलग क्लासे हैं उसमें, तो वहां से आप नोट डाउन, वहां से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है, देख सकते हैं, सीख सकते हैं. और मिलते हैं कल. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.